अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे इस्लामी भाइयों, हज कमेटी की तरफ से सर्कुलर आ गया है और जिसके फॉर्म ऑनलाइन पर भी आप भर सकते हैं हज 2025 के लिए। तो ये फॉर्म अगर आप भरना चाहें तो बहुत ही सावधानी के साथ भरिए ये फॉर्म, क्योंकि इसके अंदर में जो इंफॉर्मेशन रहती है वो बहुत काम की रहती है, और अगर ज़रा भी कुछ मिस्टेक हुई या इधर उधर हो जाने से आगे जाके बहुत तकलीफें होने वाली है। इसके लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहें तो पहले सब तैयारी कर लें, उसके बाद ये फॉर्म भरें, जिसके अंदर में आपको हज कमेटी आपके पास से ब्लड ग्रुप पहले तो मांगेगी, उसके बाद पासपोर्ट के साथ साथ में आपके फ़ोटो जो होने चाहिए वो वाइट बैकग्राउंड के ऊपर चाहिए, और जो नए लेटेस्ट फ़ोटो है वो आप दीजिएगा, क्योंकि बाद में आपको परेशानी ना हो। और फ़ोटो भी इस तरह के दीजिए कि जो एक ही तरह के फ़ोटो हो, जो कि आप ज़्यादा बनवा लें, एक साथ में 15-20 फ़ोटो बनवा लें, क्योंकि वो आखिर तक मांगते ही रहते हैं। यहाँ से लेके हज कमेटी की जब फ़्लाइट निकलने वाली रहती है उसी टाइम पे वो भी मांगते हैं वो लोग। इसके लिए आप एक ही तरह के 15-20 फ़ोटो बनवा लें, थोड़ा खर्चा ज़्यादा आएगा लेकिन आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि एक ही तरह के फ़ोटो होने चाहिए और पीछे का बैकग्राउंड भी वाइट होना चाहिए। तो इस चीज़ का ख्याल रखें और आप अच्छी तरह से ये फॉर्म को पहले जान लें, समझ लें, उसके बाद ये फॉर्म को भरें। आपका ब्लड ग्रुप भी मांगेंगे, उसके लिए आपको एक लैब में जाके ब्लड कौन से ग्रुप का है आपका वो भी निकलवा लेना है, और वो फॉर्म में उसके डिटेल में वो भरना पड़ेगा। पासपोर्ट के अंदर में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी 15/1/2026 तक होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी एक दिन भी कम होगी तो आपका हज का जो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। उसके लिए अभी भी आपके पास बहुत वक्त है, अभी 9 सितंबर तक आपको टाइम है, तो आप ये पूरा काम करवा लीजिए। अगर आपकी वैलिडिटी पासपोर्ट की 15/1/2026 से पहले है तो अपना पासपोर्ट अपडेट करवा लीजिए, पासपोर्ट ऑफिस में जाके एप्लीकेशन रख दीजिए, और उनके साथ में ये हज कमेटी का जो नोटिस है वो भी रखिए, जिसके अंदर में लिखा हुआ है कि हज कमेटी की जो डिटेल दी गई है 15/1/2026 तक वैलिडिटी चाहिए, वो वैलिडिटी आप बताइए उनको, पासपोर्ट ऑफिस वालों को, और लेटर भी वो साथ में ऐड करके दीजिए, जिसकी वजह से आपका पासपोर्ट जल्दी बन जाएगा। और हो सकता है कि आपको कुछ देरी हो, उसके लिए हज कमेटी भी हो सकता है टाइम आगे बढ़ाए, अभी फ़िलहाल 9 सितंबर तक उन्होंने टाइम दिया गया है, तो हो सकता है कि हज कमेटी इस बार और भी थोड़ा आगे डेट आगे करे। तो आपकी पासपोर्ट के अंदर में अगर प्रॉब्लम है, अगर आपकी पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट बहुत जल्दी है, 15/1/2026 से पहले है, तो आप उसे अभी के अभी अपडेट करवा लीजिए। और बाकी सब चीज़ें हैं जो आपकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, आपके आधार कार्ड, जो आपके पैन कार्ड हैं, जो आपकी पासपोर्ट की डिटेल्स है, वो पूरी डिटेल्स आपको देनी होगी हज कमेटी के फॉर्म के अंदर। इसके लिए सब आप पहले से ही तैयारी कर लें और अच्छी तरह से फॉर्म को भरें। और दूसरी महज जानकारी मैं आपको और आगे के वीडियो में भी दूंगा, जिसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो मैं इस साल 2024 में ही हज के लिए गया था, तो मुझे आप पूछ सकते हैं कोई और जानकारी, तो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। और बाकी मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरे को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।